आज हम बनाने वाले हैं इंदौरी पोहा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और इसी के साथ बनाएंगे जीरा वन मसाला। तो चलिए इंदौरी पोहा बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंदौरी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहों को धुलकर इसमें नमक, हल्दी और चीनी मिला लेंगे। पोहे को हल्के हाथों से धुल लेंगे। पोहे को एक छलनी में कर लेंगे, इससे इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम पोहे को वापस इसी प्याले में कर लेंगे। पोहे में हम एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इनको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब हम पोहा को ढककर रख देंगे। तब तक हम जीरा बन मसाला बना लेंगे। जीरा बन मसाला बनाने के लिए हम एक पैन में खड़ी मसाले डाल लेंगे। ये दो लाल मिर्च, जावित्री, ये जायफल, दालचीनी, दो तेज पत्ता, एक चम्मच जीरा, साबुत काली मिर्च, लौंग और ये सौंफ लिए मैंने, ये साबुत धनिया, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी हींग। इन सबको हम लो टू मीडियम गैस पर थोड़ा सा भून लेंगे। मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इनको ठंडा करके पीस लेंगे। ये मैंने मसाले अच्छे से पीस लिए हैं। अब इसमें हम ये आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नमक, एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जीरा बन मसाला तैयार है। अब हम पोहा बनाते हैं। ये देखिए पोहा में चीनी हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई है और पोहा फूल भी अच्छे से गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अब हम इन्हें तैयार कर लेंगे। पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में हम दो चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये मूंगफली के दाने डाल देंगे। और इनको भून लेंगे हम। मूंगफली के दानों को थोड़ा सा भून लेंगे। मूंगफली दाने भून गए हैं। अब इसमें हम हींग, एक छोटी चम्मच राई, एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच सौंफ, इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे।
अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और ये करी पत्ता डाल देंगे। सबको थोड़ी देर भून लेंगे। ये सभी चीजें भून गई हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, नमक हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने पोहा में भी ऐड किया था, और एक चम्मच चीनी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर और पका लेंगे इसे हम। अब इसमें हम पोहा ऐड कर देंगे। ये देखिए पोहा बिल्कुल अलग अलग है, चिपका नहीं है। और इसे हल्के आटे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर पका लेंगे। अब पोहे में हम नींबू का रस डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को कर देंगे बंद और पोहे को कर लेंगे प्लेट में सर्व। हम इसके ऊपर ये रतलामी सेब डाल देंगे। मेरे पास ये भुनी हुई मटर रखी है नमकीन, इसे भी हम डाल देंगे। हम इसके ऊपर ये जो मैंने जीरा वन मसाला बनाया है वो डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं इंदौरी पोहा। ये देखिए टेस्टी टेस्टी इंदौरी पोहा तैयार है। ये खाने में जितना टेस्टी है बनाने में बहुत ही आसान। आप भी इंदौरी पोहा बनाकर एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।